तो गाइज आज अ बैटल विल बी लेजेंडरी। तो गाइज आज हीरो ब्रेन लेने वाला है बदलाव, वो भी अपने सबसे जाने माने दुश्मन एंटिटी 303 से। क्योंकि गाइज आखिरी बार जब एंटिटी 303 और हीरो ब्रेन की फाइट हुई थी तब हीरो ब्रेन गलती से हार गया था, लेकिन इस बार हीरो ब्रेन एंटिटी 303 को हरा के दिखाएगा। क्या हीरो ब्रेन इसमें कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। और गाइस इसमें टोटल 5 राउंड होंगे, हीरो ब्रेन भी मॉब भेजेगा और एंटिटी 303 भी, लेकिन जो लास्ट वाला राउंड होगा उसमें एंटिटी 303 और हीरो ब्रेन की फाइट होगी। ओके गाइस तो राउंड 1 में हीरो ब्रेन की तरफ से आने वाले हैं डीमन स्लिंगर, गाइस पता नहीं कैसा नाम है, और गाइस एंटिटी 303 की तरफ से आने वाले हैं रेड डीमन, भाई साहब ये कितना ज्यादा खतरनाक है। और गाइस देखना ये होगा कि कौन जीतेगा। ओके गाइस तो फाइट स्टार्ट हो चुकी है और रेड डीमन तो उठा उठा कर पटक रहा है, लेकिन गाइस डीमन स्लिंगर भी कोई कम नहीं क्योंकि उसके पास 3 पैर है, भाई साहब अपनी टांगों से उठा उठा कर मार रहे है रेड डीमन को। लेकिन गाइस आप हीरो ब्रेन तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? पुत्री ओ भाई हीरो ब्रेन का डीमन जीत गया। और गाइस इस राउंड का विनर हीरो ब्रेन है, हीरो ब्रेन फाइनली तुम पहला राउंड जीत गए, लेकिन एक सेकंड में एंडर ब्रेन को बिलायो आज तुम। अबे ओ 303 खुद को समझता क्या है, क्या तू जीत पाएगा हीरो ब्रेन से? ना बेटे ना, कभी भी नहीं। पिछली बार तो हीरो ब्रेन लड़ने के मूड में नहीं था असल में, इसीलिए हार गया था। ओके गाइस तो राउंड 2 में हीरो ब्रेन की तरफ से आने वाले हैं रेड फायर जायंट ड्रैगन, भाई कितना बड़ा नाम है और उतना ही बड़ा शरीर भी। और गाइस एंटिटी 303 की गैंग की तरफ से आने वाले फायर ड्रैगन, वही एंटिटी 303 का जाना माना पुराना ड्रैगन जिससे आज तक कोई भी ड्रैगन नहीं जीत पाया। ओके गाइस तो फाइट स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन गाइस आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? गाइस मुझे तो लग रहा है हीरो ब्रेन का ड्रैगन ज्यादा पावरफुल है और वो ये बाजी ले जाएगा। उत्तरी भाई ये हीरो ब्रेन का ड्रैगन अपने मुंह से आग फेंक रहा है, वो भी ब्लू कलर की, बिल्कुल हीरो ब्रेन के कलर की। और गाइस ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रैगन लगता है, मेरे को तो लगता है ये नेदर से लाया है हीरो ब्रेन इसको। लेकिन गाइस ये जो फायर ड्रैगन है ना, ये आज तक किसी से भी नहीं मर पाया। ओ तेरी भाई कितनी देर तक फाइट चलेगी, कोई भी नहीं मर रहा, भाई कोई एक तो मर जाओ। लेकिन गाइस अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दो, और गाइस कमेंट में बताओ आगे फ्यूचर में कौन कौन सी वीडियोज आनी चाहिए, और गाइस हीरो ब्रेन सीरीज में मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए वो भी बता देना। लेकिन गाइस सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, और गाइस आपको तो पता होगा हीरो ब्रेन का गोल है इस साल के एंड तक 100K सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। भाई साहब इतना बड़ा नंबर अचीव करने के लिए आप लोग की तो मदद चाहिए, तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। लेकिन गाइस अभी फाइट भी ख़त्म होने वाली है, अरे भैया कोई तो मर के दे दो, कोई भी नहीं मर रहा। लेकिन गाइस ये फाइट कितनी ज़्यादा लंबी है ना, भाई हीरो ब्रेन या एंटिटी 303 दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि भाई साहब दोनों ने पता नहीं कौन कौन से ड्रैगन भेज दिए जो मरने का नाम ही नहीं ले रहे। और गाइस मुझे तो लगता है कि ये जो हीरो ब्रेन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली चाल चलने वाला है एंटिटी 303 के साथ। भाई मार हीरो ब्रेन का ड्रैगन, लेकिन एक सेकेंड भाई एंटिटी 303 के ड्रैगन ने उसको मार दिया, और गाइस इस राउंड का विनर है एंटिटी 303 का ड्रैगन फाइनली। भाई गाइस अब तो आपको मानना ही पड़ेगा, ये जो ड्रैगन है ना इसको कोई भी ताकत नहीं हरा सकती, ना कि हीरो ब्रेन भी। लेकिन गाइस हीरो ब्रेन का कहना है कि कोई बात नहीं, क्योंकि गाइस वो लोग भी एक राउंड हारे हैं और हीरो ब्रेन भी एक हारा है, गाइस मतलब दोनों का पॉइंट अभी बराबर है। लेकिन हमें आगे देखना होगा कौन ज्यादा जीतेगा, हीरो ब्रेन तैयार रहना। एंटिटी 303 अबे पकोड़े खुद को समझता क्या है, अपना एक ही ड्रैगन बार बार क्यों भेजता है, दम है तो कुछ नया भेज कर दिखाना। भाई जीरो ब्रेन क्यों गुस्से से देख रहा है मुझे,
भाई दोनों लगता है प्लानिंग करेंगे अब मेरे जाने के बाद। ओ तेरी भाई, एंटिटी 303 के बंदे को देखो, नाच रहा है खुशी के मारे। अरे भैया तुम लोग एक ही राउंड जीते हो। ओके गाइज, तो राउंड 3 में हीरो ब्रेन की तरफ से आने वाले द कंजर। और गाइज ये अपने जादू से ना किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है। और गाइज एंटिटी 303 की तरफ से आने वाले यटी। गाइज इसको आप लोग फ्रॉस्ट मो का छोटा भाई भी बोल सकते हो, क्योंकि बिल्कुल उसकी ही तरह है। तो गाइज फाइट स्टार्ट हो चुकी है। और गाइज द कंजर जो है ना वो अपनी एबिलिटी अभी से यूज करने लग गया, मैजिकल पावर। वो भी भाई साहब ये कौन कौन से गोले चलाकर मार रहा है। लेकिन गाइज यट्टी भी कम नहीं, क्योंकि वो भी पहलवान की तरह जाकर उसको मार रहा है। अबे तेरी भाई, ये कंजर तो इनविजिबल हो जा रहा है। लेकिन गाइज यट्टी को देखो, उसको पता लग जा रहा है, क्योंकि गाइज उसके पास ना एक ऐसी पावर है जिससे ना वो आवाज से पता कर सकता है कि वो जो बंदा गायब हुआ है वो तेरी भाई यट्टी ने तो उसको मौत की नींद सुला दी ही। भाई यट्टी जीत चुका है। हीरो ब्राइन तुम दोबारा से एक राउंड हार चुके हो, और इस बार एंटिटी 303 लीड पे है। और हीरो ब्राइन तुम एक राउंड नीचे हो, भाई कुछ करो हीरो ब्राइन, वरना ऐसे तो हम लोग हार जाएंगे। भाई साहब एंटिटी 303 के बंदे को देखो, उठकर पागल हो चुके और खुशी के मारे कितना चीख रहे हैं, भाई चुप कर जाओ। और गाइज हीरो ब्रेन के बंदों को देखो, भाई बहुत ही ज्यादा सैड हो चुके हैं, बिल्कुल हीरो ब्रेन की तरह। और गाइज ये लोग तो बिल्कुल एक ही जगह चुप कर कर बैठ गए हैं। ओके गाइज, तो राउंड 4 में हीरो ब्रेन की तरफ से आने वाले भाई साहब पिरहाना ड्रैगन। और गाइज ये पिरहाना ड्रैगन ना अपने पंख से मारता है दूसरों को। और गाइज एंटिटी 303 की तरफ से आने वाले टाइगर ड्रैगन। भाई ये ड्रैगन कम और टाइगर और छिपकली ज्यादा लग रहे हैं। ओके गाइज, तो फाइट स्टार्ट हो चुकी है। और गाइज इस राउंड में ना हीरो ब्रेन को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना तो हीरो ब्रेन गया। लेकिन उत्तरी हीरो ब्रेन के ड्रैगन ने उसको ठिकाना लगा दिया। हीरो ब्रेन तुम फाइनली जीत गए ये वाला राउंड। भाई साहब लग तो नहीं रहा था, लेकिन गाइज हीरो ब्रेन ने वो कर दिया जो कोई भी नहीं कर सकता। और गाइज फाइनली अब हीरो ब्रेन के बंदे भी खुश हो चुके हैं और चीख रहे हैं। और गाइज लगता है कि अब इन्हें मैच देखने का मजा आ रहा है। अबे ओ एंटिटी पकोड़े जीरो पकोड़े, सुन मेरी बात। उत्तरी गाइज इनका कहना है कि मैं क्या सुनूं, तुम सुनो। गाइज एंटिटी 303 का कहना है कि अब हीरो ब्रेन का ओपन चैलेंज है, वो मुझसे लड़कर दिखाए और मुझे हरा कर दिखाए, क्योंकि गाइज ये आखिरी राउंड होने वाला है और इसमें तय होगा कि कौन असली विनर है। भाई साहब मैच कर देखते हैं। तो गाइज राउंड 5 के लिए हीरो ब्रेन की तरफ से आने वाले खुद हीरो ब्रेन लड़ने के लिए। और गाइज मेरे तो ख्याल से हीरो ब्रेन ना एंटिटी 303 को इस गुस्से के साथ पटक कर दिखा देगा। और गाइज एंटिटी 303 की तरफ से आने वाले खुद एंटिटी 303 लड़ने के लिए। लेकिन गाइज ये जो पकोड़ा है ना, ये आज हार कर ही जाएगा, क्योंकि गाइज मुझे तो ऐसा लगता है। और गाइज इसके साथ आज कोई भी नहीं होगा। और गाइज आप लोग किसके साथ तो कमेंट में बता देना। ओके गाइज, तो वो वाली फाइट स्टार्ट हो चुकी है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। और गाइज आज हीरो ब्रेन तो एंटिटी 303 को पटक पटक कर मार रहे है, जबकि एंटिटी 303 के पास 2 स्वर्ड है। तो हीरो ब्रेन ने सोचा क्यों ना मैं भी 2 स्वर्ड ले लूं। और गाइज वो देखो, हीरो ब्रेन ने भी 2 स्वर्ड उठाई हुई है और एंटिटी 303 को दोनों हाथ से मार रहा है। भाई साहब हीरो ब्रेन तो अपने दोनों बाजू एंटिटी 303 को पटक पटक कर मार रहा है। भाई लगता है कि एंटिटी 303 तो खत्म, क्योंकि गाइज हीरो ब्रेन को देखो लाइटनिंग पावर भी यूज कर रहा है अपनी। उत्तरी भाई एंटिटी 303 तो आज जल जाएगा, क्योंकि गाइज हीरो ब्रेन उसको जला देगा अपनी लाइटनिंग पावर से। हीरो ब्रेन बहुत बढ़िया, मारते रहो उसे, उस ढोंगी को उठाकर पटक दो। हीरो ब्रेन उसे बता दो कौन है माइनक्राफ्ट का असली हीरो। गाइज पता नहीं, उत्तरी भाई हीरो ब्रेन ने तो एंटिटी 303 को जान से मार दिया। भाई
और गाइस आज तो आपको पता लग ही गया होगा कि माइनक्राफ्ट का असली बॉस कौन है, वो भी जो हीरो ब्राइन जो है। और गाइस अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। लेकिन गाइस मुझे लग रहा है एंटिटी 303 अगली बार बहुत ही ज़्यादा बुरा हराने वाला हीरो ब्राइन को।